मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी बॉलीवुड सुपरस्टार्स से। वैसे सितारों का काम होता है उजाला फैलाना, लेकिन आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा गर्त में लेके जा रहे हो आज की जो जनता है, आज के जो यूथ है उनको। खैर, मेरे आप सभी से कुछ सवाल हैं, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों चाहे वो टीवी सेलिब्रिटीज़ हों। सबसे हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है शेप अप इंडिया। इस चैनल पे हम लोग हमेशा से, यानी कि मैं हमेशा से आप लोगों को फिटनेस, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस, जिम सप्लीमेंट्स, जिम वर्कआउट और भी काफ़ी सारे हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहता हूँ यहाँ पे। आज भी कुछ इस तरह के वीडियो मैं लेके आया हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है एंड काफ़ी सारे जो बॉलीवुड के फैंस हैं ना उनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है बॉलीवुड के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, या मैं कहूँ टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बट आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या है असली सच्चाई बॉलीवुड की। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड जो लोग भी इस वीडियो से या मेरी बात से सहमत होते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा एंड वीडियो को अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारी एक साइट है बाइसेप्स गाय करके, अब नाम मुझसे मत पूछिए किसने रखा है, लेकिन bicepsguy.com करके साइट है, उस पर मैंने इस वीडियो से रिलेटेड आर्टिकल और भी काफ़ी सारे आर्टिकल वहाँ पर पढ़े हैं। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी इस बारे में तो आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के उन सो कॉल सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो कि अपनी एक ज़िंदगी में सामने आपके एक मुखौटा या मैं कहूँगा एक नकाब पहन के घूमते रहते हैं हमेशा। मैं उनके बारे में बात करूँगा जो टीवी पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गंदी गंदी गालियाँ देने से पहले सोचना चाहिए कि वहाँ पे एक महिला है या नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है एंड क्या सिर्फ ये जो उनकी सामने दिखावे वाली बातें हैं, महान बातें हैं, क्या सिर्फ दिखावा है या असलियत में वो लोग ऐसे हैं या नहीं? इम्पल्सिव डिसीजन, मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। बाबू, आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी, गो फॉर इट। वैसे इन सभी सेलिब्रिटीज़ को, सो कॉल सेलिब्रिटीज़ को मैं सेलिब्रिटीज़ कहना पसंद नहीं करता हूँ, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि स्टार, सुपरस्टार, आइकन्स, हीरो, हीरोइंस। बट मैं आप सभी बॉलीवुड वालों से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को इन नाम का मतलब भी पता है? क्या आपको पता है कि आप लोगों को इन नामों से क्यों बुलाया जाता है? शायद नहीं पता है, क्योंकि अगर पता होता तो आप चंद पैसों के लिए जिन्होंने आपको बनाया, जिनको आप लोग अपना माई बाप बोलते हो, जिन ऑडियंस को आप लोग बोलते हो कि ये हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे सीधे भगवान के समान हैं, इन्होंने ही हमको बनाया है एंड ये लोग जब चाहे हम लोग गिरा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी तो दाव पे कभी भी ना लगाते। जी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ तो गए होंगे, जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो जनता है जो आप लोग की मूवीज़ देखने जाती है, आप लोग को फॉलो करती है, हर एक चीज़ आप जैसा बनना चाहती है, लेकिन फिर भी आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग का एक एक किया हुआ काम या हम लोग का किया हुआ एक एक कृत्य हमारे फैंस को बहुत ही बुरी तरीके से या बहुत ही अंदर तक इफ़ेक्ट डालता है। ये जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, मैं भी कभी हुआ करता था, अब तो खैर नहीं हूँ, इनको आप लोग अपनी फिल्म प्रमोशंस के दौरान, अपनी सोशल गैदरिंग्स के दौरान अपने फैमिली मेम्बर्स से कंपेयर कर देते हैं कि यार ये हमारे फैमिली मेम्बर्स की ही तरह हैं, या कभी कभी मैंने देखा आप लोग बोलते हो कि यार यही हमें बनाने वाले हैं, ये बिगाड़ने वाले हैं, ये भगवान के समान है, जनता जनार्दन आप लोग बोलते हो, लेकिन तब भी आप लोग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग का जो किया हुआ काम है वो इनके ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। और क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को अपनी फैंस की, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी रत्ती भर भी कोई भी फिक्र नहीं। नहीं दिया
आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो फैंस, आपके फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ में किस तरीके से जीते हैं, वो कितना ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, वो किस परेशानियों से गुजरते हैं, आप लोग कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये सब तो हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से देख लिया था, जब आप लोग, आप सभी लोग जब हम लोग यहाँ पे परेशानी में गुजर रहे थे, तो आप लोग मालदीव में आराम से छुट्टियाँ मना रहे थे, तो वो सब चीज़ें समझ में आती बहुत ही अच्छी तरीके से। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी बॉलीवुड सुपरस्टार्स से। वैसे सितारों का काम होता है उजाला फैलाना, लेकिन आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा गर्त में लेके जा रहे हो आज की जो जनता है, आज के जो यूथ है उनको। खैर, मेरे आप सभी से कुछ सवाल हैं, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, चाहे वो टीवी सेलिब्रिटीज़ हों, सबसे कि इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े घर होने के बावजूद, देश विदेश में लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद, और दीन दुनिया की दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी, ये जो ग्रीड है, ये जो लालच है, वो ख़त्म क्यों नहीं होता आप लोग का? दुनिया में जो चीज़ें हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें आप लोग यूज़ करके फेंक देते हो, वो चीज़ें आप लोग के लिए मायने भी नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग की जो ग्रीड है, जो लालच है, वो ख़त्म क्यों नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसका जवाब आप लोग में से जो भी फैंस देख रहे हों, वो अगर कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। चंद पैसों के लिए आप लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं जो कि शायद आप लोग अपने घर में लाना पसंद नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ मुझे समझ में आती है, क्योंकि जब मैं ऐड देखता हूँ आप लोग का, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग जानता हूँ, या जो लोग भी थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते होंगे, आप लोग उस गुटके के पैकेट का, उस पान मसाले का जो पैकेट है, उसको हाथ में पकड़ना तक पसंद नहीं करते हैं। बट चंद पैसों के लिए आप लोग अपने फैंस को ये कहते हैं कि अगर आप लोग इस पान मसाले को, इस गुटके को खाओगे, तो आप लोग की जुबान केसरी हो जाएगी। क्योंकि यही है मेरी जीत की पहचान, और यही है मेरी सफलता का राज। जी हाँ, सो मैं यही चीज जानना चाहता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, सिगरेट, ये सब स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इसके ऐड करने से पीछे नहीं हटते हो। और मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो फैंस होंगे, वो लोग कूद के आएंगे कि यार कौन करता है शराब का ऐड, कौन करता है बीड़ी सिगरेट तंबाकू का ऐड, कौन करता है पान मसाले गुटके का ऐड, ये लोग तो माउथ फ्रेशनर का ऐड करते हैं, ये लोग तो म्यूज़िक सीडीज का ऐड करते हैं, ये लोग स्नैक्स का ऐड करते हैं, ये लोग वाटर बॉटल्स का ऐड करते हैं, ये लोग ऐड करते हैं इलायची का। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये लोग करते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने। सो आजकल आप सभी लोगों ने देखा होगा टीवी पे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, चाहे वो आपके फेवरेट सल्लू भाई हो, यानी कि सलमान खान, या फिर फिटनेस आइकन टाइगर श्रॉफ हो, साउथ के मेगा स्टार महेश बाबू से लेके महानायक अमिताभ बच्चन तक, आजकल आप लोग देख लो कि पान मसाला गुटके का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन को जब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलने लगा, सो उन्होंने अपना एड से नाम पीछे ले लिया, लेकिन उसको वो डिफेंड कर रहे थे जब तक उन्होंने नाम पीछे नहीं लिया, ये कह के कि भाई साहब मैं पान मसाला गुटके का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक माउथ फ्रेशनर का ऐड कर रहा हूँ, मैं इलायची का ऐड कर रहा हूँ, जो कि स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है। तो बच्चन साहब, मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। सो खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट आखिर है क्या, एंड इसका शुरुआत कहाँ से हुई, क्या ये तरीका है आपको लोग को बेवकूफ़ बनाने का? सो मैं आप लोग बता दूँ कि ये बात है 80s और 90s की, जब विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बॉलीवुड में आने लगी अपने करोड़ों के बजट लेके, एंड यहाँ पे वो अपने उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कराने लगी बॉलीवुड स्टार से, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जैसे कि बीड़ी, जैसे कि तंबाकू, जैसे कि शराब, जैसे कि सिगरेट्स। एंड उस टाइम पे ये जो एडवर्टीजमेंट थे, ये बिल्कुल ही धड़ल्ले से बिल्कुल डायरेक्टली होते थे, यानी कि सिगरेट का जो प्रचार है वो सिगरेट के नाम से ही होता था, हैं, दारू का जो प्रचार है, शराब का जो प्रचार है, वो शराब के नाम से ही होता था। लेकिन 1995 में जब गवर्नमेंट ने देखा
कि यार ये जो एड्स हैं ये हमारे यूथ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर रही हैं, हमारे जो यूथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचेगा हम लोग देश को। सो 1985 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक लॉ पास की जिसके नाम था द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। जी हाँ, एंड इस लॉ के हिसाब से आप लोग टीवी पे डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते थे सिगरेट, शराब, दारू, गुटखे, तंबाकू इन सब का। सो उस टाइम पे इस समय के बाद 1995 के बाद जो कंपनी इस को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट करने को कुछ बचा नहीं था, डायरेक्टली बैन हो गया था। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि यार हम लोग क्या करें, लेकिन इस लॉ के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स भी थे एंड ये जो लूप होल्स हैं मैंने डिस्क्राइब किए हैं अपने आर्टिकल में, मेरा आर्टिकल सामने खुला हुआ है, सो आप लोग उसको जाके पढ़ सकते हो bicepscan.com पे। खैर, सो उस लूप होल्स को देखा गया, समझा गया, इन जो टीवी एडवर्टीजमेंट के जो मैनेजर थे, जो मार्केटिंग एडवाइज़र थे उनके द्वारा, एंड वहाँ से इन्होंने सोचा कि हम लोग सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को करते हैं। वैसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की जो हिस्ट्री है वो मेरे ख्याल से ब्रिटेन से शुरू होती है, लेकिन जब यहाँ पर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ सो काफ़ी सारे जो कंपनीज थी उन्होंने अपने जो मेन प्रोडक्ट था जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू, उस प्रोडक्ट के ब्रांड के हिसाब से या ब्रांड के नाम से अलग अलग चीज़ें प्रमोट करना शुरू कर दी, जैसे कि कैलेंडर्स हो गए, आपके वाटर बॉटल्स हो गए, म्यूज़िक सीडीज हो गए, स्नैक्स हो गए, एंड आप लोग देख सकते हो कि इसी तरीके से आज इलायची का प्रमोशन किया जाता है। मिस वर्ल्ड से लेके यानी कि प्रियंका चोपड़ा भी इलायची, अनुष्का शर्मा भी इलायची, इवन अक्षय कुमार ये पहले सिगरेट का ऐड करते थे, फिर बीच में बाबा इलायची का ऐड करने लगे, सलमान खान राजश्री का ऐड करते हैं, महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन एंड रणवीर सिंह करते हैं मेरे ख्याल से कमला पसंद का, टाइगर श्रॉफ फिटनेस आइकन एंड महेश बाबू मेगा स्टार जो स्टाइलिश स्टार के शायद नाम से जाने जाते हैं वो ऐड करते हैं पान बहार का। जी हाँ, एंड काफ़ी सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। सो ये जो चीज़ है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है जो बच्चे, जो बड़े, जो बुज़ुर्ग देखते हैं उस टीवी के ऐड में। सो वो लोग ये नहीं देखते हैं कि आप लोग इलायची का ऐड कर रहे हो या म्यूज़िक सीरीज़ का ऐड कर रहे हो, एंड ज़रा मुझे बताइएगा कि जो इम्पीरियल ब्लू की म्यूज़िक सीरीज़ है वो कहाँ मिलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से विकी कौशल ऐड करते हैं मैकडॉवल्स का, तो मैकडॉवल्स के दारू के अलावा वो ऐड करते हैं शायद मैकडॉवल्स के स्नैक का, वो कहाँ मिलता है मुझे जानना चाहिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो पूरी टीम ही है, तो रॉयल चैलेंजर्स की दारू भी आती है यानी कि शराब, तो रॉयल चैलेंजर्स पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, एंड आप लोग देखा होगा कि सोडा बॉटल्स की भी एडवर्टीजमेंट होती है। तो इसी तरीके से ऐड कर करके ये अपने जो मेन प्रोडक्ट है जो इनकी गुटखा या जो ख़राब हेल्थ के लिए ख़राब प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करते हैं, एंड इस जो तरीका है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का इसके चलते इनके प्रोडक्ट्स की जो ब्रांड वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग पता होगा कि उर्वशी सॉरी उर्मिला मातोंडकर या उर्मिला मेरे ख्याल से मैं नाम शायद गलत दे रहा हूँ, सो ये ऐड करती है 500 पताका चाय का, लेकिन आप लोग पता है कि 500 पताका चाय जो है वो एक चाय नहीं, वो एक बीड़ी का ब्रांड है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा बीड़ी ब्रांड है। सो वो जो बीड़ी का ब्रांड है ना उसके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट ने चाय पत्ती निकाली है, मलाइका अरोड़ा जो कि अपने आप को बहुत ही फिटनेस ज़्यादा एंथुजियास्ट दिखाती हैं, जब भी इनकी वीडियोस आती हैं उसमें जिम में घुसते हुए, जिम से बाहर निकलते हुए ही आती हैं, हमेशा ये डाइट के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करती हैं, बताती हैं कि पानी को खड़े होकर नहीं पीना, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये चैनी खैनी का ऐड कर रही थी तो उस टाइम पर इनको सोचा जाता है कि पानी ज़्यादा हार्म करेगा आप लोग को या फिर जो खैनी का ऐड कर रही है वो। खैर बाद में वो भी चैनी हो गई थी यानी कि चैनी चाय। मुझे याद है कि अभी जब सल्लू मियाँ तो खैर राष्ट्रीय का करते ही हैं, संजय दत्त जेल से जब छूट के आए थे तो उन्होंने अभी लेटेस्ट एक शराब का ऐड शुरू किया था, एंड उसमें क्लियरली क्योंकि संजय दत्त भाई बिल्कुल ओपनली हर चीज़ एक्सेप्ट करते कि हाँ मैं ड्रग्स भी लेता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, एंड लोग बड़े ही इसको हंसी मजाक में लेते हैं। जी हाँ, वहाँ पे करने क्या गए थे उस वक्त? पता नहीं, दारू पीने गए थे। गन का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, दुनिया भर का प्रॉब्लम, मगर जान अभी भी हंसता है। How did he live?
एक हिस्सा है, मैं राजीव राय की पिक्चर कर रहा था तो उसके घर गया रात को स्टोरी सेटिंग पे। स्टोरी सेटिंग कुछ नहीं हुई वहाँ, ब्लैक लेवल है वो चालू, तो रात के 2 बज गए थे और मैं गाड़ी चला के वापस आ रहा था, सो गया चलाते चलाते, गाड़ी बैंग हो गई। ये भी रॉकी से पहले, तो अक्का वो शीशा वीशा फेस पे टूटा तो पूरा कट हो गया था। उसने कुछ प्रेजेंट दिया था 4 बोतल, तो वो लेके मैं घर पहुंचा लुढ़कते हुए और सो गया। तो धक्सा उठे, बोले वो सब ठीक है, तूने शराब पी माफ़ कर दिया सब, वो 4 बोतल तूने कैसे याद रखे, वो कैसे नहीं भूला गाड़ी में। क्योंकि वो संजय दत्त है, अगर नॉर्मल कोई लेता तो बड़ी ही उन लोगों को आफत हो जाती, बड़ी ही घृणित नज़रों से देखने लगते कि यार कैसा बंदा है, शराब पीता, आप लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। लेकिन सल्लू भाई बता रहा हूँ बार बार, संजय दत्त भाई हैं। सो संजय दत्त ने अभी अभी एक लेटेस्ट ऐड किया था एंड शायद उसका टैग था आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, मुझे नाम याद आ रहा जो दारू का ब्रांड था। सो उस पर खुला उन्होंने दारू ली थी हाथ में, लेकिन जैसे मैंने बताया लॉ के चलते हुए उनको फिर से वापस वहाँ से एडिट करना पड़ा। एंड मुझे बता दीजिए कि ये जो कमला पसंद है, जो राष्ट्रीय है, इनकी इलायची कब से आने लगी भाई, इलायची कहाँ मिलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है। या माउथ फ्रेशनर कमला पसंद है या राष्ट्रीय का माउथ फ्रेशनर कौन खरीदता है मुझे ये बताइए। खैर हाँ, अरे मोस्ट फेमस विमल जुबा केसरी तो खैर कर ही रहे थे, लेकिन अब उनके साथ एक और आ गए हैं शाहरुख खान भी जुबा केसरी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं या ये तरीका है एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करके आप लोग की सेहत से खेलने का। तो जैसे मैंने पहले कुछ सवाल पूछे थे, लास्ट में कुछ सवाल आप लोग से पूछ रहा हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि चंद पैसों के लिए आप लोग ऐसी चीज़ों का प्रमोशन करें जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्या ये जो दोगलापंती है आप लोग की कि एक तरफ आप लोग YouTube पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं सब्जी आई अवॉइड फ्रूट्स क्योंकि उसमें शुगर होती है, एंड आप लोग प्रमोशन कर रहे हो इस गुटके का, इस पान मसाले का। टाइगर श्रॉफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फ्रूट्स खाने से अवॉइड करते हैं एंड मैं रोटी नहीं कर, ऋतिक रोशन मैं रोटी नहीं खाता हूँ, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं अपने, एंड ये पान मसाले गुटके बीड़ी शराब तम्बाकू आप लोग ऐड करते हो। आप लोगों को सोचना चाहिए एक बार कि यार आप लोग के फ्रेंड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ों का। सो खैर मुझे तो पता है कि आप लोग कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड जैसे जैसे जो लोग मैच्योर होते जाएंगे आप लोग समझते जाएंगे कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन हो, कोई स्टार नहीं हो, कोई सुपरस्टार नहीं हो, कोई मेगा स्टार नहीं हो, कोई हीरो या हीरोइन नहीं हो। ये जो आइकॉनिक नेम होता है ना हीरो हीरोइन, ये सब जो आर्मी वाले होते हैं, जो डिफेंस फोर्सेज होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको देना ही मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा क्योंकि वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हालांकि वो लोग सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया से मुझे याद आया कि ये जो टीवी एक्टर्स हैं या टीवी जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो खुलेआम प्रचार करते हैं दारू का, क्योंकि भाई वहाँ पर तो लॉ एप्लीकेबल है नहीं। सो ये प्रिंस नरूला बहुत फिटनेस की अपना एडवाइस देते हैं कि यार मैं डाइट फॉलो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, खुलेआम दारू का प्रचार कर रहे हैं। गोपी बहू खुलेआम दारू का प्रचार कर रहे हैं। करण वाही मेरे ख्याल से हैं, वो भी खुलेआम दारू का प्रचार कर रहे हैं कि भाई दारू पीजिए, मौज कीजिए लाइफ से। सो ये सब चीज़ें चल रही हैं। खैर इस वीडियो से मेरा आप तक, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यही एक मकसद है पहुंचाने का कि आप लोग को अपने आइकन, अपने फिटनेस गोल्स या अपने जो एक आइडियल होता है ना दिमाग में कि मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए, ऐसे करना है, सो इन लोगों के दिमाग में मत रखिए। क्योंकि जितने भी बॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं वो 100% फेक होते हैं। आप सभी लोग पता है कि ये लोग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद ये जो एक एक महीने में आप लोग देखते हो ना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, वो आता है इस हिसाब से। एंड ये चीज़ तो यार इसके बारे में अलग, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया या इन्फॉर्मेटिव लगा हो थोड़ा सा भी, तो मेरे वीडियो को यार शेयर कर देना। बहुत मेहनत करता हूँ मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए ताकि आप लोगों तक, जो लोग भी देख रहे हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको और भी आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले एंड वो लोग समझे कि किस तरीके से ये जो फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उनको पता होने के बावजूद भी आप लोगों की हेल्थ से खेलते हैं। आज की वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।